मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पूरा प्रोसेस। आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या कंडीशन दिए गए हैं पीएम आवास, जो आपका उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर आपको मुफ्त में मिलती है कनेक्शन, वो आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो पीएम उज्ज्वला योजना के ऊपर यदि आप गैस सिलेंडर लेते हैं तो हर महीने एक्स्ट्रा 100 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाती है, तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे पाएंगे, कैसे आप अपने नज़दीकी एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, कोई भी स्किप या बढ़ आपको आगे मतलब जो स्किप करना नहीं है इस वीडियो को, क्योंकि जो प्रोसेस है वन बाई वन स्टेप्स फॉलो होते हैं इस प्रोसेस में, तो आपको पूरी तरह से फॉलो करने हैं। तो पहले आप देख सकते हैं ये गूगल ओपन हो चुका है, आप चाहे तो इसको मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गूगल है, इसमें आपको सिर्फ सर्च करना है PMUY। आप देख सकते हैं PMUY GOV.IN लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक ओपन हो चुका है PMUY GOV.IN। आपको ये होम बटन दिख रहा है, यहाँ पे होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्पावरिंग एवरी, जो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला, हर घर सशक्त हर घर उज्ज्वला। इसमें क्या है कि आपको लगभग गवर्नमेंट कह रही कि लगभग 9 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है घरों में ये कनेक्शन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरुआत की कनेक्शन होती है, तो उसमें सब्सिडी जो है आपको 100 रुपये या अलग अलग राज्य का अलग अलग है। इसमें आप अलग अलग कनेक्शन पे या आपको कौन से कनेक्शन आपने लिया है उस पे सब्सिडी अलग अलग मिलता है, लेकिन इसमें है कि 100 रुपये आपको मिल ही रहा है, इसमें आपको मिल सकता है। आप देख सकते हैं जो अचीवमेंट्स है या गवर्नमेंट की जो उन्होंने रेगुलेशन डाले हैं इसमें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या सेफ्टी है, इस साइट पर आप जाकर के पता कर भी सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1906, या आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उज्ज्वला हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको कोई पूरी जानकारी और डीपली चाहिए कोई भी कनेक्शन से या कोई भी और भी, तो यदि मैं तो कवर कर देता हूँ इस वीडियो में पूरी तरह से। यदि कोई डाउटफुल लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये 1800-266-6696 पे कॉल करके पूरी आप जानकारी को मतलब पा सकते हैं, ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है अबाउट PMUY या अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप इस पे, अब देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। आप देख सकते हैं जो 2.0 कनेक्शन है इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले तो अप्लीकेशन जो अप्लीकेंट है वो सिर्फ वोमेन महिलाएं होनी चाहिए, मस्ट बी अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। देयर शुड बी नॉट बी एनी अदर LPG कनेक्शन फ्रॉम एनी अदर्स, तो उनके घर में और भी इसके अलावा कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, LPG का कोई भी नहीं होना चाहिए। LPG का कनेक्शन HP हो, भारत पेट्रोलियम हो या भारत गैस हो, कोई भी एक कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एडल्ट वोमेन बिलोंग्स टू एनी द फॉलोइंग कैटेगरी, तो जो भी एडल्ट वोमेन है वो बिलोंग्स होनी चाहिए ST/SC से, प्रधानमंत्री आवास योजना से, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से, जो TXX जो है XT गार्डन ट्रिब्यूट से, तो ये जो भी जो पॉइंट दिया हुआ है ये 14 पॉइंट रिलेशन है जो इससे मैच करना चाहिए। जैसे कि बताया एप्लीकेंट वोमेन तो होना ही चाहिए फर्स्ट, और दूसरी बात है जिनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और तीसरी बात जो है मेन इम्पोर्टेंट बात है जिनके घर में कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका है KYC जो होता है, जो आपको विजिट करते हैं एजेंसी वाले आपके घर के, आपके लोकेशन पे वो आपका चेक करते हैं कि आपके घर में कोई कनेक्शन तो नहीं है, तभी आपको वो मिल पाएगा। आधार कार्ड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पे डाला जाएगा, इज रेसिडेंस इन द सेम एड्रेस एज मेंशन इन द आधार, नॉट मैंडेटरी फॉर असम और मेघालय। यहाँ पे राशन कार्ड इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राशन कार्ड है आपके पास
वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। आधार बेनिफिशियरी एडल्ट फैमिली मेंबर्स अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट एट इस सीरियल नंबर 3। राशन कार्ड भी है तो आपको वो चल जाएगा आधार कार्ड पे। बैंक का डिटेल ज़रूरी है इसमें, बैंक का अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको सब्सिडी जो मिलने वाला है वो आपको बैंक अकाउंट पे ही रिवर्ट आएगा। मतलब पहले आप जब जमा करते हैं जितना पैसा कटता है आपको गैस बुक करने में, या जब आप एजेंसी वाले को देते हैं या डिलीवरी बॉय को, जो भी को दें जिसको भी देते हैं, उसके बाद आपका जो सब्सिडी है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सप्लीमेंट्री KYC डॉक्यूमेंट सपोर्ट स्टेट ऑफ द फैमिली स्टेटस ऑफ द फैमिली, तो आपके फैमिली का डिटेल भी यहाँ पे मांगा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, लिखा है एप्लीकेशन में अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हर च्वाइस आइदर दिस सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर बाय द सबमिटिंग रिक्वेस्ट थ्रू ऑनलाइन, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन। अब आपको क्या करना है इसमें कि जो गैस का जो कनेक्शन दिख रहा है इसमें, जो भी बेसिकली यूज होता है इंडियन है, इंडियन ऑयल का है, भारत गैस का है और HP का है, तो कोई जो भी आपको कनेक्शन चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पहले जिस लोकेशन में रह रहे हैं आस पास में पता करें कि आपके कौन से एजेंसी सबसे नज़दीक में है, तो वो भी बेहतरीन होगा आपको कि पता जब नज़दीक होगा तो आप जान सकते हैं, जा सकते भी हैं, या वो जब आपकी एजेंसी से आएंगे तो एक तो होगा कि आपके आसपास में ही होगा ये। तो यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे HP गैस को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर दिया मैंने, जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पे एक तरह के एक नया विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको डिटेल यहाँ पे लिखा होता है कनेक्शन टाइप, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन जो कि आप नॉर्मल कोई भी लेते हैं रेगुलर कनेक्शन, दूसरा है ये उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन, तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे उज्ज्वला के लिए मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आपको उज्ज्वला ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उज्ज्वला आप जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखा होता है कि आपको पहले तो ये इंडियन है, ये इंडियन सिटीजन है, उसको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, आई एम ए वोमेन और 18 साल से ज़्यादा का है, तो ये भी आपको कन्फर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सारी जो हैं आपके कोई फैमिली मेंबर में कोई भी किसी के पास भी ये नहीं है कनेक्शन, ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। आई एड वाई डिक्लेयर लिखा हुआ है, ये जो चेक बॉक्स बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक मार्क कर दे, टिक कर दिया आपने, क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे नीचे एक विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि सर्च जो डिस्ट्रीब्यूटर है एजेंसी, मैंने बताया जो आपके आसपास में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आप उनका नाम से सर्च करना चाहते हैं या लोकेशन से, तो फ्रेंड मैं लोकेशन से सर्च कर लेता हूँ कि ये लोकेशन से मालूम चल जाएगा। जैसे लोकेशन से मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड, अब आपके पास और भी नीचे जब स्क्रॉल करके आते हैं तो इसमें ऑप्शन बना हुआ जाता है कि पहले तो आप स्टेट सेलेक्ट करें, तो स्टेट के जगह पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें फ्रेंड, और जैसे ही दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर दिया, आप उसके बाद सब जो टाइटल जो बनते हैं जैसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में ही सेलेक्ट करना होता है। आप साउथ दिल्ली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी बात यदि आप कोई भी स्टेट लेते हैं वहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी दिख जाएंगे आसपास का। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने साउथ दिल्ली एजेंसी जो नज़दीक में है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, शॉप नंबर, सब डिटेल आ चुका है, तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें फ्रेंड। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, आप इसमें देख सकते हैं ये सारी डिटेल जो है आपको फिलअप करनी पड़ेंगी फ्रेंड, तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि जो स्टार मार्क है यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार मार्क है, ऑल फील्ड्स मार्क का स्टार मैंडेटरी, तो जो स्टार मार्क है उसको आपको कंपलसरी फिलअप करना ही है। तो यहाँ पे आई गिव द कंसेंट योर 10th आधार कार्ड, तो जो भी डिटेल आपको आधार कार्ड से मांगा जाएगा आप एग्री करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें चेक बॉक्स पे, यहाँ पे भी चेक बॉक्स है जो सेम है, यदि माई करेंट एड्रेस इज द सेम एड्रेस एज आधार में तो आप टिक मार्क करें, यदि नहीं है तो आप नहीं टिक करें फ्रेंड। बात करें फ्रेंड आगे की, जो व्यू डिटेल्स में है आपका फर्स्ट नाम याद रहे फ्रेंड, जो भी महिलाएं फिलअप कर रही हैं इसकी, या आप अपने घर में किसी महिलाओं का ये फिलअप कर रहे हैं, लेडीज़ का आप ये फिलअप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रहे फ्रेंड जो आधार कार्ड में जैसा लिखा हुआ है वही आप चीज़ फिलअप करें। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना ज़रूरी है फ्रेंड,
तो यहाँ पे आप जो महिला जो आधार कार्ड में नाम दिख रहा है वो डालें, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन है वो डालें, सेलेक्ट कास्ट है जो कास्ट है वो भी आप सेलेक्ट यहाँ पे करें। बात करें फ्रेंड आगे की, तो राशन कार्ड जो डिटेल है यहाँ पे, राशन कार्ड में जो इशू है यहाँ, राशन कार्ड में आपको यहाँ पे यदि राशन कार्ड इशू है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम के सामने स्टार लगा हुआ है जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, तो राशन कार्ड का डिटेल डालना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड कनेक्शन एड्रेस एड्रेस कॉन्टेक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है मतलब कि कंपलसरी है, आपको सब चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका रूरल एरिया आता है या अर्बन एरिया आता है, यदि कोई डाउटफुल है तो आप नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिटेल है वहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ऐसे रूरल है तो रूरल पे सेलेक्ट करके आप हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर जो भी है डिटेल आधार कार्ड में वही आपको फिलअप करना है, कोई भी इधर उधर अपने मर्ज से कोई फिलअप नहीं करना है इसमें फ्रेंड। तो आप पूरी तरह से इसको फिलअप कर सकते हैं इसमें, जैसे फिलअप करते हैं यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ ए बैंक अकाउंट है तो फ्रेंड, तो पहले तो आधार नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा जो आधार कार्ड जो में दिया हुआ है, उसके बाद आप IFSC कोड जो बैंक के पासबुक होते हैं फ्रेंड उसमें आप ज़रूर देख लें, या चेकबुक जो होता है तो उसमें चेकबुक में भी लिखा होता है IFSC कोड आपका। IFSC कोड जैसे ही डालते हैं ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है इसमें आपका सारे डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर पूरी तरह से फ्रेंड जब आप फिलअप कर रहे हैं ना तो डबल चेक ट्रिपल चेक जरूर करें, 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लें कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर जो डाला है वो सही डाला है, क्योंकि पैसे जो आने आए हैं आपको, जो आपको पैसे आने वाले हैं कम जो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, वो आपको इसी बैंक अकाउंट में मिलेंगे फ्रेंड। तो ये याद रहे अकाउंट नंबर भी चालू होना ज़रूरी है, और जिनका आधार कार्ड है जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका ही बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए फ्रेंड, तो उनका ही बैंक अकाउंट का डिटेल है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल आप भर देते हैं, नेम इज योर बैंक अकाउंट के नाम भी डिटेल फॉर कन्फर्म, बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना होता है, कंफर्म करते ही आप यहाँ पे LPG कनेक्शन डिटेल लिखा हुआ है तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं बेसिकली जो होता है लोग यूज़ करते हैं ये 14.2 किलो का ही यूज़ होता है जिसे SBC बोलते हैं सिंगल बोतल कनेक्शन, यदि आप 5 किलो का भी जो छोटा वाला आता है वो भी यूज कर सकते हैं, या 5 किलो डबल बोतल कनेक्शन मतलब तो 5 5 किलो का दो यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली ये 14 किलो बाई डिफॉल्ट में तो आप इसको ही रहने दें। बात करें फ्रेंड यहाँ पे POA, जैसे कि आधार में कभी आप अपडेट कराया होगा तो ये इस तरह का पूछा जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लिस्ट है बिलो द अटेस्टमेंट, तो आपके पास कोई एक कॉपी होना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना जरूरी है, यदि पासपोर्ट है तो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस में ओरिजिनल वेरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर बेन शॉर्ट फॉर काइंडली टिक द POA प्रोवाइडेड बाई द बिलो हैविंग तो कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लोकेशन पे जाएंगे, आप जो डिटेल इसमें से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे है कि पासपोर्ट है आधार है बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक है कोई भी है बैंक का डिटेल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वाटर बिल है हाउसिंग रजिस्ट्रेशन है और लीज एग्रीमेंट है वोटर ID कार्ड है DL है राशन कार्ड है लैंडलाइन टेलीफोन बिल है फ्लैट अलॉटमेंट है या पोजिशन है LIC पॉलिसी है सेल्फ डिक्लेरेशन है ओनली फॉर माइग्रेंट्स का है, आप यदि आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट से आप बैंक अकाउंट ओपन करा करके आप यहाँ पे बैंक डिटेल में कर सकते हैं इसमें, या बैंक का कार्ड डिटेल स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी है, अदरवाइज सेल्फ डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करके एड्रेस प्रूफ ID यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। जैसे सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड यहाँ पे अब आपको वो जो भी आपने अपलोड किया है जो भी डिटेल दिया उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करना यहाँ ज़रूरी है, तो याद रहे फ्रेंड फ़ोटो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो 300 KB से नीचे का होना चाहिए, फ़ोटो साइज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईच अपलोडेड फाइल लेस देन 300 फोटो साइज शुड बी लेस देन 50 KB से ही और नीचे का होना चाहिए। तो बात करें फ्रेंड यहाँ पे आधार का जो है आपको आधार सेलेक्ट करने यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर खुल जाता है, आप वहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में जो फ्रेंड अभी आपने यहाँ पे जो फिलअप किया था ये इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो
आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका वो होना चाहिए 50 KB से नीचे, बाकी जो एड्रेस प्रूफ और आपका आधार ये 300 KB से नीचे का होना चाहिए, 300 KB तक होना चाहिए या 300 KB से नीचे, हाँ 300 KB से नीचे, लेस देन 300 KB लिखा हुआ है, JPG में ही फॉर्मेट में होना चाहिए। राशन कार्ड, फैमिली कंपनसेशन एनेक्शन फॉर माइग्रेंट, डाउनलोड द फॉर्म फैमिली कंपनसेशन, यहाँ पे यदि माइग्रेंट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके फिलअप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड जब लास्ट है ऑप्शन वो डिटेल ऑफ द फैमिली मेंबर, द नंबर ऑफ एडल्ट फैमिली मेंबर एज पर राशन कार्ड फैमिली कंपनसेशन डिक्लेरेशन एक्शन, अब यहाँ पे फैमिली का मेंबर कितने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल जो सेलेक्ट है, रिलेशन क्या है आपका, वो डिटेल आप फिलअप करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, रीजन फॉर सेपरेट ऑफ द माइग्रेंट यहाँ पे डिटेल करके फैमिली डिलीट फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, ऐड फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर जैसे क्लिक करते हैं से वन बाय वन ऐड होता जाता है, देख सकते हैं पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद कुछ भी, यदि हम यहाँ पे फिलअप करते हैं इसमें, नहीं फ्रेंड ये तो आधार नंबर आपको फिलअप करना ही पड़ेगा इसमें, तो डेट वेट है वो आपको ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो सबसे लास्ट में फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन बना हुआ है, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट अबव द डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो भी डिटेल फिलअप किया वो अपने होशोहवास में फिलअप किया है और जो आधार में दिया हुआ है वही आपने फिलअप किया, तो कोई भी फॉल्स आपने इसमें कोई फिलअप नहीं किया, सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म बन करके आ जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं फोटो में। यहाँ पे एक प्रिंट तो रजिस्ट्रेशन फॉर LPG तो हो गया, आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास बन के आएगा उसे चेक कैसे करें, तो चेक स्टेटस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के लिए आएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपको वो अलॉट हो चुका है कि नहीं या प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, इसको आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख आ चुका है, तो रेगुलर नहीं, यहाँ पे आपने उज्वला किया था तो उज्वला पे क्लिक करना है, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बिलो जो टेक्स्ट मतलब जो कैप्चा यहाँ दिखता है वो फिलअप करके चेक स्टेटस पे क्लिक कर दें, तो ये पूरी तरह से आपको दिख जाएगा कि क्या क्या मतलब कहाँ तक या कौन से प्रोसेस तक फॉलो हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर में किसी महिलाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप कोई जो केंद्र जो होता है आपका आसपास के, यदि आप इसको अप्लाई करने के लिए मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल ये अप्लाई करने का कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है इसमें, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है बिल्कुल, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको सब्सिडी चाहिए और आपके घर में कोई कनेक्शन नहीं है या जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो मांगाया गया है, यदि आप उसमें फुलफिलमेंट है, आप पूरी तरह से सक्षम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, आप अपने फैमिली में फ्रेंड में इस तरह का वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।